हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम टोटल एल्यूमिनियम पे बात करने वाले हैं। टोटल एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे, एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में बात करेंगे, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे, इसके गुण उपयोग, ये टोटल एल्यूमिनियम पे आज बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है ये जो धातु है, एल्यूमिनियम क्या है बेटा, ये धातु है, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, प्रकृति में मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में नहीं मिलती, नहीं मिलती, ठीक है। मुक्त अवस्था में नहीं मिलती मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, अगर हम सोचें कि एल्यूमिनियम डायरेक्ट हमें मिल जाए तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, प्रकृति में डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा। जैसे कोयला का अगर सोचें कि लकड़ी को जला दो कोयला मिल जाएगा, कोयला हमें मुक्त अवस्था में मिलता है, ठीक है, बट एल्यूमिनियम जो है ना वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलती, ठीक है। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम धातु है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। तो मुक्त अवस्था में नहीं मिलती तो ये कैसे मिलती है, तो बेटा ये जो एल्यूमिनियम है वो यौगिक के रूप में मिलती है हमें, ठीक है, यौगिक के रूप में मिलती है, मतलब ये हमें यौगिक के रूप में मिलती है, क्लियर है, ठीक है। और ध्यान रखो बेटा, जो एल्यूमिनियम है बेटा वो प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कितना, प्लस थ्री, है ना, एल्यूमिनियम धातु और इस पर प्लस थ्री चार्ज होता है, क्लियर है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ बेटा, जो एल्यूमिनियम है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जो एल्यूमिनियम है बेटा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, प्रकृति में सबसे अधिक, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बेटा हम एल्यूमिनियम के खनिज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जहाँ से कोई चीज़ भरपूर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है उसे उसका खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो हम एल्यूमिनियम के खनिजों पर बात करेंगे, एल्यूमिनियम के खनिज, तो बेटा वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एल्यूमिनियम के खनिजों के बारे में बताया था, तो आज मैं बताऊंगा और कुछ अलग टाइप के खनिज बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला तो जो एल्यूमिनियम का खनिज है बेटा वो है वॉक्साइट, क्या है, वॉक्साइट, ठीक है, ठीक है। और इस वॉक्साइट का सूत्र क्या होता है बेटा, वॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2, ये वॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वॉक्साइड है बेटा, इसके अलावा बेटा हम कोरंडम, ठीक है, कोरंडम जिसको हम नीलम भी बोलते हैं, कोरंडम को नीलम भी बोलते हैं बेटा, नीलम किसी का नाम होता है बट नीलम भी इस कोरंडम को बोलते हैं, ठीक है, जिसका सूत्र होता है Al2O3। इस कोरंडम या नीलम से भी हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये भी इसका खनिज है, ठीक है। चलो, इसके अलावा बेटा फेल्सपार, ठीक है, फेल्सपार, 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 ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, फेल्सपार बोला है ना, और इसको बेटा हम फ्लोर स्पार भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फ्लोर स्पार, ठीक है, तो फ्लोर स्पार, ठीक है। तो इस फ्लोर स्पार से भी बेटा हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। फ्लोर स्पार का बेटा सूत्र क्या होता है, KaAl, ठीक है, Si3O8, KaAl Si3O8, इस फ्लोर स्पार का जो सूत्र है इससे भी हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये जो बेटा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिलिकॉन अयस्क है, सिलिकेट अयस्क है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन उपस्थित है तो ये सिलिकेट अयस्क के नाम से भी जानता है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा हम क्रायोलाइट से भी इसको हम प्राप्त करते हैं, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। तो जो क्रायोलाइट का सूत्र है ना वो बेटा होता है Na3AlF6, ठीक है, Na3AlF6, ये बेटा फ्लोराइड, इसमें फ्लोरीन है इसलिए फ्लोराइड अयस्क है, ठीक है, और ये सिलिकॉन अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम धातु है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती या यौगिक रूप में पाई जाती है, और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, एल्यूमिनियम।
इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस थ्री होती है और एल्यूमिनियम को वॉक्साइड हुआ, नीलम हुआ, कोरंडम, फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट यहाँ से प्राप्त किया जाता है और भरपूर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में इस एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है बेटा? चलो नेक्स्ट हम बेटा इनकी कुछ क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे एल्यूमिनियम से क्रिया, ठीक है, इसके ऐसा हम कहें कि एल्यूमिनियम के गुण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के गुण, तो सबसे पहला बेटा एल्यूमिनियम का गुण यही है कि ये क्या है, ये धातु है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का गुण क्या हो जाएगा, पहला गुण ये हो जाएगा ये धातु है, अच्छे से लिख लेना जमा के, ये धातु है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट बेटा ये हो जाएगा कि ये धातु है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा धातु है तो बेटा ये विद्युत की कैसी होगी, चालक है ना, तो ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है, ये विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना ये धातु है, ये विद्युत के कैसे होते हैं, चालक होते हैं, क्योंकि धातु तो विद्युत के चालक होते ही होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, ठीक है। तो ये अम्लों से क्रिया करेंगे, देखो ये हम एक अम्ल लिख दे रहे हैं, ये एल्यूमिनियम है और अम्ल लिख दिया हमने HCl, ठीक है। तो जब ये HCl से क्रिया करेगा तो Al और Cl क्रिया कर जाएंगे, तो Al पर कितना होता है बेटा, थ्री चार्ज होता है, ठीक है, तो थ्री प्लस होता है और Cl पे वन माइनस, तो ये बन जाएगा AlCl3 और H निकल जाएगा किसके रूप में, H2 के रूप में, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही हम कई अम्लों से क्रिया करा सकते हैं, जैसे और भी अम्लों से क्रिया कराएं, जैसे हमने H2SO4 से क्रिया करा दी, ठीक है, तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस और ये हो जाएगा H2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ध्यान रखना ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है अम्लों से क्रिया करके, ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, तो इसी प्रकार ये जो आपका एल्यूमिनियम होता है बेटा, ये क्षार से क्रिया करके भी बेटा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आप कोई क्षार लेना और क्षार से क्रिया कराना, तो ये क्षार से क्रिया करके भी बेटा हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ गुण हुए। अब इसका कुछ उपयोग भी होता है, तो क्या इसका उपयोग है उस पर बात करते हैं। तो बेटा ये एल्यूमिनियम के ना कुछ उपयोग हैं, ठीक है, थीके? जैसे हमें पता है बेटा ये विद्युत का कैसा होता है, चालक होता है, ठीक है, विद्युत का चालक होता है, तो एल्यूमिनियम का वायर बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का तार, अक्सर हमने देखा होगा हमारे सप्लाई के लिए घर में जो है ना डोरियां आती हैं, उन डोरियों के जो अंदर तार होता है वो एल्यूमिनियम का लगभग होता है, ठीक है। वैसे अब तो कॉपर का भी चलने लगा है, तो एल्यूमिनियम का वायर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बिजली के तार बनाने में इसका यूज़ हो रहा है। इसके अलावा बेटा जो चादर आती है ना घर के ऊपर छाने के लिए, ठीक है ना, घर के ऊपर छाने के लिए जो चादरें आती हैं, और बर्तन, कई सारे बर्तन आते हैं, गंजी हैं, है ना चाय बनाने के लिए हत्थे जो वगैरह आती हैं, तो चादरें बर्तन आदि बनाने में भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मिश्र धातु, मिश्र धातु भी बेटा इस एल्यूमिनियम की बनाई जा रही है। मिश्र धातु आपको बताऊंगा, है ना, जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल जाती हैं तो एक अलग धातु का रूप ले लेती हैं, जिससे मिश्र धातु कहते हैं, जैसे स्टील मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऐसा मिश्र धातु बनाने में इसका यूज़ हो रहा है। इसकी पतली पत्रें, मतलब इसकी पतली पतली पत्रें, है ना, पतली पतली पत्रें, आपने देखा होगा बेटा जो सिगरेट का फिल्टर होता है, सिगरेट के फिल्टर के जस्ट नीचे एक चमकीली सी बॉर्डर लगी होती है, वो चमकीली सी जो बॉर्डर होती है बेटा वो एल्यूमिनियम की होती है। किसकी होती है, एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो इसकी पतली पत्रों का उपयोग जो है ना सिगरेट, है ना, इसके अलावा बेटा मिठाई या पूड़ी के रखने के लिए भी एक पतला एक अलग टाइप की पॉलीथीन आती है, हम बोलते हैं एक पनी, है ना, तो वो बेटा पनी नहीं होती है, वो अलग टाइप की एक वो चमकीली सी एल्यूमिनियम के कलर की एक पत्थर आती है, एक चादर आती है, एक पनी सी आती है, वो बेटा एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। तो इसका उपयोग है ना जो सिगरेट होता है, सिगरेट के, है ना, और जो साबुन भी होते हैं कई टाइप के, देख रहे हैं हम साबुन, साबुन के ऊपर एक सफ़ेद कलर का एक कागज़ लपटा हुआ होता है, तो वो बेटा उसमें एल्यूमिनियम मिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा मिठाइयों को रखने के लिए, पूड़ी को रखने के लिए भी एक कवर आता है, ठीक है, तो इनके लपेटने के लिए इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो फोटोग्राफी के लिए बेटा, फोटोग्राफी किसी का भी जब कैमरा से फोटो खींचता है तो उसके ऊपर एक फ्लैश जमता है, चमकता है, फोटो खींचने के पहले एक फ्लैश चमकता है, वो फ्लैश बल्ब होता है, उस फ्लैश बल्ब में एल्यूमिनियम का उपयोग है। किसका उपयोग है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो फोटोग्राफी के लिए फ्लैश बल्बों में भी इसका इसका बेटा यूज हो रहा है ना, तो इस टाइप से ये एल्यूमिनियम के उपयोग हैं। अब बेटा हम एल्यूमिनियम के कुछ मिश्र धातु के ऊपर बात करते हैं। तो बेटा ये एल्यूमिनियम की कुछ मिश्र धातु हैं। सबसे पहले ये मिश्र धातु क्या होती है, इसकी परिभाषा सुन लो, है ना, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण
को मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल जाती हैं तो एक अन्य प्रकार की धातु प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम की कुछ मिश्र धातुओं के नाम है, जैसे एल्यूमिनियम ब्रांच। जो एल्यूमिनियम ब्रांच जो मिश्र धातु है जो कॉपर और एल्यूमिनियम मिलके बनाते हैं, जब कॉपर और एल्यूमिनियम आपस में मिल जाते हैं तो एल्यूमिनियम ब्रांच बन जाता है। और इस एल्यूमिनियम ब्रांच का उपयोग होता है बर्तन, जैसे बर्तन बनते हैं तो बर्तन एल्यूमिनियम ब्रांच के बनते हैं, सिक्के बनते हैं, है ना। पहले के ज़माने में चलते थे सिक्के, बट अब तो नहीं चल रहे हैं सिक्के, है ना, तो सिक्के बनाते हैं। और आभूषण आपने सुना होगा बेटा, ये कि गिलट की है ना, ये तो गिलट की है, ये सस्ती होगी, ये गिलट के कान के भी आते हैं, नाक के भी आते हैं, है ना, पैर की जो पायल होती हैं वो भी आती हैं, गिलट गिलट होता है एल्यूमिनियम ब्रांच, एक गिलट होता है, क्या होता है बेटा, गिलट। ठीक है, तो आभूषण भी बना सकते हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरालूमेन है ना, या ड्यूरालूमेन है ना, ये ड्यूरालूमेन है एक बहुत ही स्ट्रांग धातु है बेटा, बहुत ही स्ट्रांग मिश्र धातु है ना। और इस ड्यूरालूमेन में क्या क्या मिलता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये मैग्नीज है और ये मैग्नीशियम, ये चारों से मिलकर बनता है। इसका उपयोग होता है बेटा जो वायुयान और जहाज होते हैं, इनके जो पुर्जे, इनके जो अवयव होते हैं, उनको बनाने में उपयोग होता है इसका। जो जब वायुयान होता है, जहाज होता है, उसके अभी हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वायुयान और जहाज के अभी अब बनाने में इस ड्यूरालूमेन का उपयोग होता है। इसके अलावा मैग्नीलियम है फिर, है ना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनता है। ठीक है, तो जो तराजू, तराजू आता है ना, तराजू तुला जिसको हम बोलते हैं तराजू, तो तराजू बनाए जाते हैं बेटा मैग्नीलियम से। ठीक है, चलो एक है निकोलाय। ठीक है, तो निकोलाय में एल्यूमिनियम, निकिल और कॉपर होता है। ठीक है, और इससे भी बेटा वायुयान के जो गैर वगैरह होते हैं, वायुयान में गैर भी डालने के लिए, है ना, रेसिंग के कुछ पुर्जे होते हैं, तो ये भी वायुयान के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये बेटा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु हुई, है ना। तो आज टोटल बेटा हमने एल्यूमिनियम पे बात की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।